Hello students, today we will see the chapter 10 circle of class 10 from your NCERT notebook. अब उसमें आपको circles के तो important points पता होते हैं, पर यहाँ पे 10 new जो concept developed हुए हैं while you are growing up. So ये एक first topic क्या अपना tangent है, tangent of a circle. अभी tangent होता क्या है? जैसे कि ये circle है, इसमें ये क्या होता है? Center point होता है. Okay. अब सेंटर पॉइंट को ना डिस्कस करके सपोज एक लाइन जा रही है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच कर रही है. देखो जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये क्या कर रही है? सर्कल के अंदर से जा रही है. ठीक है, इसमें और भी दूसरी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ किया, तो ये देखो सर्कल को एक पॉइंट में टच कर रही है. तो ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या होती है? टेंजेंट होती है. और ये क्या है? कोई नहीं है, ये तो नॉर्मल यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाती है, जो सर्कल को कट करती है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है. तो ये क्या है? कॉर्ड है. और ये जो लाइन है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है. ओके, अब आपको सेकंड बात को ये याद रखना है कि आपका अगर सर्कल है और उसमें कोई भी अगर टेंजेंट जा रही है, सपोज ये टेंजेंट क्या है, बनाई हूँ मैंने. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है. ओ, सेंटर पॉइंट से अगर आप टेंजेंट के जहाँ पॉइंट में मार्क्ड है वहाँ पे आप पर लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये पी पॉइंट है, तो ये हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है. और टेंजेंट जो भी लाइन है आपकी टेंजेंट की ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल को कट करती है, जो क्या करती है? सेंटर से हमेशा क्या करता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है. ओके, नाउ अपना थर्ड टॉपिक क्या आता है यहाँ पे? अगर आपका ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, पी से अगर मैं दो लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल की तरफ जो कि टेंजेंट है, सपोज एक यहाँ गया जिसका नाम ए है और एक अपर साइड गया. ओके, यहाँ पे कट हो रहा है, सपोज इसका नाम बी है, तो ये ए और बी क्या है? आपके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है. दो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती कोई भी एक सर्कल पे. तो ये दो टेंजेंट है, तो इनकी जो लेंथ होती है पी ए और पी बी, ये आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. ओके, इसको अपन प्रूफ करके देखेंगे. सो दिस इज योर थ्योरम. थ्योरम, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. What is the meaning of this theorem? कि आपका क्या हो रहा है, एक आपका सर्कल है जहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है P, यहाँ से आपकी दो टेंजेंट्स जा रही है, सपोज ये A पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को और सपोज ये B पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को. तो ये जो लेंथ है आपको यहाँ पे टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है? P, जो पी ए है, लेंथ है पी ए की टेंजेंट की और पी बी टेंजेंट की आर इक्वल, पी ए और पी बी इक्वल है. और आपको गिवन क्या दे दिया है यहाँ पे? गिवन ये कहा गया है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, आपकी दो क्या है वो टेंजेंट्स है सर्कल की, आपको वो प्रूफ करना है. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखिए. यहाँ पे जब आपका ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज इसको ओ ले लेते हैं, तो ओ से पी को ज्वाइंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज्वाइन ओपी. ओके, ओपी ज्वाइन करके आप ओपी और इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ओ ए और ओ बी, ओ ए एंड ओ बी. अब ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, अगर आपकी टेंजेंट होती है और सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट तक आती है तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है. तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो ये भी क्या है आपका? परपेंडिकुलर हो गया. तो अब ये दो ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं अपन. कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल आप देखिए, अपन प्रूफ चालू करेंगे. अब इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, आपका यहाँ पे देखो पी ओ पी ओ कॉमन है. अब राइट एंगल मिला एक, जस्ट उसके सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं. इसका अगर मैं फिगर एक बना दूँ तो ये राइट एंगल हुआ, ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगी? कोई भी एक साइड होती है. तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं आपके? कॉन्ग्रुएंट हो रहे. कैसे? यहाँ पे एंगल पी ए ओ और यहाँ पे एंगल पी बी ओ, ईच
90 डिग्री। ओके, देन आपका क्या दिया, एक पीओ, पीओ क्या हो गया, कॉमन हो गया। देन आपका क्या है, एओ इक्वल टू बीओ, वो क्या है आपकी रेडाई है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीओ बाय आरएचएस क्राइटेरिया। सो व्हाट वी डू नाउ, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पीए और पीबी क्या हो जाएगा, इक्वल पीए इक्वल टू पीबी। बाय सीपीसीटी।